इस वीडियो में हम बात करेंगे सिस्टिक फाइब्रोसिस के बारे में। सिस्टिक फाइब्रोसिस एक जेनेटिक या अनुवांशिक बीमारी है जो कि पहले खाली वेस्टर्न कंट्रीज में ही पाई जाती थी, लेकिन जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है सिस्टिक फाइब्रोसिस के काफी मामले अब इंडियन बच्चों में भी पाए जा रहे हैं। सभी ह्यूमन बीइंग्स में क्रोमोसोम 7 के ऊपर एक जीन होती है जिसको CFTR जीन कहते हैं, या सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन रेगुलेटर कंडक्टेंस जीन भी कहा जाता है। ये जीन एक CFTR के नाम का प्रोटीन बनाती है और ये प्रोटीन हमारे बॉडी के कई सेल्स में इस्तेमाल होता है। यदि CFTR जीन फंक्शनल प्रॉपरली नहीं होगी, डिफेक्टिव होगी, तो ये प्रोटीन जो बनेगा वो ठीक नहीं होगा। CFTR प्रोटीन का फंक्शन होता है कि वो क्लोराइड के आयन्स को सेल्स के अंदर और बाहर अप्रोप्रिएट तरीके से, ठीक तरीके से ले जाए। यदि ये प्रोटीन डिफेक्टिव होता है तो ये मैकेनिज्म फॉल्टी होती है, बस क्योंकि क्लोराइड आयन्स की एंट्री और एग्जिट सेल्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ऐसा नहीं हो पाता और इसी के साथ जो पानी की मूवमेंट है सेल्स के अक्रॉस वो ठीक नहीं होती। CFTR प्रोटीन्स हमारी बॉडी के एक्सोक्रीन ग्लैंड्स में पाया जाता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लंग्स या फेफड़े, डाइजेस्टिव सिस्टम, खाने की प्रक्रिया खराब होती है, साथ ही में हमारे स्वेट ग्लैंड्स जो हमारे स्किन में होते हैं, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में जो हमारे ग्लैंड्स होते हैं उनमें अक्सर प्रॉब्लम्स पाई जाती हैं। यदि CFTR डिफेक्टिव रहता है तो हमारे जो सिक्रीशंस होते हैं जो कि यूजुअली थिन होते हैं, स्लिपरी होते हैं, वो बहुत ही चिपचिपे हो जाते हैं, गाढ़े हो जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? यदि हमारे सिक्रीशंस बलगम गाढ़ा हो जाएगा तो हमारे लंग्स को ब्लॉक करेगा और साथ ही में वो जर्म्स को भी अट्रैक्ट करेगा। बच्चों के लंग्स में रिपीटेड इन्फेक्शंस हो सकते हैं, उन्हें बार बार चेस्ट कंजेशन हो सकती है और बार बार निमोनियाज लग सकते हैं। तो जिन बच्चों को सिस्टिक फाइब्रोसिस की परेशानी होती है उन्हें अक्सर गीली खांसी रहती है, बलगम वाली खांसी रहती है, उनको बार बार चेस्ट कंजेशन या निमोनियाज पाए जाते हैं। सिस्टिक फाइब्रोसिस हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी परेशान करता है क्योंकि वहां भी CFTR प्रोटीन अधिक मात्रा में रहता है। तो हमारे जब पैनक्रियाज में ये प्रॉब्लम्स होती है तो जो हमारे डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो ठीक से नहीं बनते, खाना पाचन ठीक से नहीं होता, बच्चों को बल्कि फ्रॉथी ग्रीसी तरह का चिपचिपा तेल वाला स्टूल्स होते हैं और बच्चों का वेट गेन नहीं होता है। कुछ बच्चों को बहुत सीवियर सी कॉन्स्टिपेशन भी रह सकती है, वो काफी जोर लगाते हैं पॉटी पास करते हुए और इसी कारण से उनकी जो आते हैं वो बाहर कई बार प्रोलैप्स भी हो जाती है। इस कंडीशन को हम रेक्टल प्रोलैप्स कहते हैं। जिन बच्चों का CFTR डिफेक्टिव रहता है उनके स्वेट ग्लैंड्स के साथ भी प्रॉब्लम होती है और उन बच्चों में स्वेट में क्लोराइड की मात्रा काफी ज्यादा होती है और साथ ही में क्योंकि हमारी बॉडी से क्लोराइड काफी लूज होता है, पानी काफी लूज होता है, तो इस सिचुएशन में बच्चों को अक्सर बार बार डिहाइड्रेशन के एपिसोड्स भी हो जाते हैं। तो यदि आपके बच्चे को सिस्टिक फाइब्रोसिस से रिलेटेड कोई समस्या है तो आपको एक पीडियाट्रिक चेस्ट स्पेशलिस्ट या पल्मोनोलॉजिस्ट से जरूर संपर्क करना चाहिए एक प्रॉपर डायग्नोसिस के लिए, सलाह के लिए, जांचों के लिए और सही जानकारी के लिए कि हम उसे कैसे अच्छा रख सकते हैं। धन्यवाद।